चलिए क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की सीरीज में आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं और आज हमारा ये लेक्चर फिफ्थ है। हमने डिफरेंट क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड किया, हमने देखा कैसे ग्लोबल क्लाइमेटिक बेल्ट एग्जिस्ट करते हैं, उन पे किस तरह से टेम्परेचर एंड रेनफॉल का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है जिसका एंड रिजल्ट वेजिटेशन में नजर आया। हमने वर्ल्ड लेवल पर एग्जिस्ट कर रही हाईली क्लासिफाइड तीन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को स्टडी किया, जिनमें सबसे पहले हमने कॉपन की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ी जिसमें उन्होंने टेम्परेचर एंड रेनफॉल को इम्पोर्टेंट माना जिसका एंड रिजल्ट वेजिटेशन माना। हमने सेकंड थॉर्नवेट की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ी जिसमें उन्होंने टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के इंटरप्ले को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना। उन्होंने ये माना कि टेम्परेचर एंड रेनफॉल का एंड रिजल्ट वेजिटेशन ना होकर के टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी का एंड रिजल्ट वेजिटेशन है, और टेम्परेचर एंड रेनफॉल दोनों काम करके जन्म वेजिटेशन को ना दे करके टेम्परेचर एंड रेनफॉल दोनों काम करके जन्म ह्यूमिडिटी को देते हैं, और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड होती है वहाँ की वेजिटेशन। कितनी वर्षा हो रही है ये ज़रूरी नहीं है, उस वर्षा में से, उस रेनफॉल में या प्रेसिपिटेशन में से कितनी प्लांट की ग्रोथ के लिए अवेलेबल हो रही है ये इंपॉर्टेंट है, और इसको उन्होंने पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन के कंसेप्ट में दर्शाने का काम किया। हमने ट्रेवर्दा की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को देखा और ट्रेवर्दा की ये क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन काफ़ी हद तक कॉपन की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से मैच करती थी। डिफरेंस सिर्फ ये था कि एक सिंप्लीफाइड वर्जन था, इन्होंने टेम्परेचर रेंजेस का कुछ एक एम्बिगस करेक्टर जो कॉपन ने अपना रखा था उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया। -3 से 18 डिग्री तक की रेंजेस को डिस्कार्ड करके इन्होंने 0 डिग्री रेंजेस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने क्लियर कट डिमार्केशन कर दिया मेडिटेरेनियन एंड चाइना टाइप क्लाइमेट का, जैसे इन्होंने CS एंड CW का नाम दे दिया। इस तरह की चीज़ें हमने स्टडी की, और भारत के कॉन्टेक्स्ट में ट्रेवर्दा की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के A, C, A, B, C एंड H ये चार क्लाइमेट एग्जिस्ट कर रहे थे, वो हमने स्टडी कर ली। आज हम पर्टिकुलरली भारत के फॉरेस्ट पे आते हैं, द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, वेजिटेशन टाइप ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लगभग 16 टाइप के फॉरेस्ट या 16 टाइप के वेजिटेशन रीजन्स पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसको समझने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज और कुछ कंसेप्ट समझने होंगे। जब तक आप वो नहीं समझते हैं फॉरेस्ट आपके माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए सेटल नहीं होगा, और वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज और कंसेप्ट हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हमने ये देखा है कि किसी भी रीजन का जो फॉरेस्ट होता है, जो वेजिटेशन होता है, वो बड़े लेवल पर वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे क्लाइमेटिक फैक्टर्स का ही रिजल्ट होता है। और उन क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक रोल टेम्परेचर का होता है, फिर टेम्परेचर से कनेक्टेड ही रेनफॉल होता है, टेम्परेचर एंड रेनफॉल दोनों से कनेक्टेड ह्यूमिडिटी का एक इम्पैक्ट आता है, टेम्परेचर एंड रेनफॉल होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्रेशर का एंड विंड सिस्टम का, वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे सरफेस की टोपोग्राफी कैसी है, माउंटेनियस रीजन है, प्लेच्यू रीजन है या फ्लैट लैंड है, सॉइल का नेचर और टेक्सचर कैसा है, ये सारी सिचुएशन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वेजिटेशन को डिसाइड करने के लिए, जिन्हें आज हम टिपिकली इंडिया की वेजिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं। और क्योंकि ये किसी एरिया के फॉरेस्ट को डिटरमिन कर रही हैं या किसी एरिया के फॉरेस्ट को कंट्रोल कर रही हैं, तो अगर कंट्रोल कर रही हैं तो आप इन्हें फैक्टर्स कह सकते हैं, और अगर डिटरमिन कर रही हैं तो आप इन्हें डिटरमिनेंट्स कह सकते हैं। दे आर द फैक्टर्स, दे आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ द वेजिटेशन ऑफ द ट्री टाइप। ओके, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं और वन बाय वन हम हर चीज़ को समझते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट अगर हम देखें कि कौन से फैक्टर जो किसी पर्टिकुलर एरिया के वेजिटेशन को इम्पैक्ट करने का काम करते हैं, तो वेरी फर्स्ट फैक्टर जिसको हम कहते हैं दैट इज क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर। और क्लाइमेटिक फैक्टर में हमने देखा दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट थे, एक टेम्परेचर था और दूसरा प्रेसिपिटेशन था। देखिए अब आप टेक्निकलिटी में हैं तो आप एक ले मैन के तौर पे रेनफॉल वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेसिपिटेशन में स्नो भी है एंड रेन भी है, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं ब्रैकेट में रेनफॉल लिख देता हूँ, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द हमारे वेजिटेटिव रीजन ये रेनफॉल से ही प्रभावित हैं, अदरवाइज इट इज़ प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन का क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बायोटिक लाइफ फॉर्म के लिए एग्जिस्ट करने के लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, उसके न्यूट्रिशन की ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, और न्यूट्रिशन किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पे किसी एक पर्टिकुलर टाइम में होता है। जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इन्हें ये न्यूट्रिशन सॉइल से मिलता है, लेकिन सॉइल में वो न्यूट्रिशन
एक स्टैटिक मोड में एग्जिस्ट कर रहा है और उस न्यूट्रिशन को प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट जोन्स तक ले जाने का काम वाटर करता है। आई बात समझ में? तो वाटर ये काम परफॉर्म करता है, जैसे रूट्स के थ्रू न्यूट्रिशन लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द वाटर और फिर उसे वैस्कुलर ऑर्गन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट एरिया ऑफ द प्लांट, और वहाँ पर वो वाटर यूज़ करता है प्लांट अपनी लीव्स की मदद से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो लीफ में एग्जिस्ट कर रहे एक खास एलिमेंट क्लोरोफिल के द्वारा की जाती है। जब भी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है तो प्लांट का लॉस, वाटर का लॉस होता है और इस वाटर लॉस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। मतलब सिंपल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपके सामने अगर किसी तरह का एक प्लांट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका ये जो एक रूट सिस्टम है, ये रूट सिस्टम सॉइल में एग्जिस्ट कर रहा है और सॉइल में काफ़ी सारे मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनको रूट्स ने सक कर लिया और सक करने के बाद जितने भी वास्कुलर एलिमेंट्स हैं उनके थ्रू ये लीव्स तक पहुंचा और अदर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा, और लीव्स पे जाने के बाद सपोज कीजिए कि लीव्स के द्वारा जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होगा, लीव्स में एग्जिस्ट कर रहे स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू जब गैशियस एक्सचेंज किया जाएगा, ये सारे साइंस के भी क्वेश्चन हैं जो साथ में ही समझ आ जाएंगे, तो स्टोमेटा के थ्रू जब गैशियस एक्सचेंज किया जाएगा तो उस प्रोसेस में, उस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में क्लोरोफिल के द्वारा बड़े पैमाने पर वाटर भी लॉस होता है, और ये वाटर का लॉस कहीं ना कहीं कंपनसेट होता है रूट्स के थ्रू। तो इस वजह से हम ये देख पा रहे हैं कि रेनफॉल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप प्लांट की ग्रोथ कराना चाहते हैं, प्लांट के लाइफ साइकिल को कम्प्लीट करना चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि प्लांट का सीड से जर्मिनेशन का स्टेज आए, जर्मिनेशन के बाद फ्लावरिंग हो, फ्लावरिंग के बाद फ्रूटेशन हो और फ्रूशन के बाद फिर से वो एंड हो जाता है, क्योंकि फ्रूट में सीड्स होते हैं, फिर से सीडिंग होगी, फिर से जर्मिनेशन होगी, फ्लावरिंग होगी, फ्रूशन होगी, एंड हो जाएगा। इस तरह से लाइफ साइकिल्स चलते रहते हैं, बिगनिंग होता है, डिके होता है, प्लांट बनता है, ख़त्म होता रहता है। अब कुल मिलाकर के ये सारे प्रोसेस को एग्जिस्ट कराने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वाटर है, और वाटर की अवेलेबिलिटी आपने, मुझे नहीं लगता है कि ट्रॉपिकल रीजन में या टेम्परेट एरिया में या माउंटेन एरिया में कहीं जा कर के पानी लगाया होगा पाइप से। घरों में तो आप अपने गार्डन को पानी लगा देते हो, लेकिन उन एरियाज में मुझे नहीं लगता कोई तराई करता होगा जा कर के। तो वहाँ पर ये सब एग्जिस्ट कर रहा है ड्यू टू द रेनफॉल। तो रेनफॉल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो वाटर अवेल करा के देता है, और वाटर अवेलेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिशन होता है, और न्यूट्रिशन किसी भी बायोटिक लाइफ के लिए एग्जिस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। तो रेनफॉल अल्टीमेटली डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज दो वे में टेम्परेचर काम करता है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि जो कोई भी बायोटिक लाइफ फॉर्म है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसका खुद का एक टेम्परेचर रिजिम होता है, उसका बॉडी टेम्परेचर होता है, एंड दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से आपकी बॉडी में स्वेटिंग होती है, और उसी स्वेटिंग के थ्रू आप उस स्वेट को जब लूज़ करते हैं, इवेपोरेशन होता है, आपका बॉडी टेम्परेचर फिर से डाउन आता है। तो अब ऑल द टाइम एक मैनेज्ड, एक कंट्रोल्ड बॉडी टेम्परेचर में रहते हैं। अगर आप डॉग की या किसी और एनिमल की बात करें, स्वेटिंग नहीं होती, लेकिन जीभ लटका करके वो उस जीभ के माध्यम से इसी तरह का इवेपोरेशन प्रोसेस करते हैं। हर समय लार गर्मियों में लटकती रहती हैं, पानी गिरता रहता है पूरे घर में मुंह से, और इसी के माध्यम से वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी एक खास चीज़ होती है कि अगर वाटर अवेलेबिलिटी भरपूर है और बड़े पैमाने पर टेम्परेचर रेज हो गया है तो काफ़ी ज़्यादा पानी खींच करके ये अपने स्टोमेटा को स्वेल कर देते हैं, अपने माउथ को स्वेल कर देते हैं, जिसके माध्यम से बड़ी इमीडिएटली गैशियस एक्सचेंज होने शुरू हो जाते हैं, लीफ अपनी क्वालिटी को बनाए रखती है और वाटर का लॉस हैवी होता है। शर्त यह है कि वाटर की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब इस प्रक्रिया के थ्रू प्लांट ने अपना एक टेम्परेचर मेंटेन किया। तो टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसी पर डिपेंड होता है कि प्लांट कितना एक्टिव होगा या प्लांट कितना डॉर्मेंट होगा। अगर आप खुद को महसूस करें तो ऑलवेज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी सीज़न समर का हो या गर्मियों का हो,
तो गर्मियों के मौसम में बायोटिक एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, और विंटर सीजन में यानी कि कोल्ड क्लाइमेट्स में आप चले गए जैसे टुंड्रा रीजन में या टैगर रीजन में बायोटिक एक्टिविटीज़ स्लो पड़ जाती हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप बहुत रैपिड ग्रोथ ऑफ द प्लांट चाहते हैं, बहुत ही लग्जूरियस लीव्स चाहते हैं, बहुत अल्टीमेट कैनोपीज और अदर एस्पेक्ट्स चाहते हैं, एक टेम्परेचर का लेवल आपको ऑलवेज मेंटेन रखना पड़ेगा जिसकी वजह से प्लांट को अपनी कई तरह की रिक्वायरमेंट्स जो उस टेम्परेचर के द्वारा क्रिएट हो रही हैं उसको पूरा करने के लिए बहुत ही फास्ट साइकिल ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत ही फास्ट साइकिल ऑफ गैशियस एक्सचेंज मेंटेन करना पड़े। इससे प्लांट ऑलवेज वर्किंग स्टेट में रहता है और फटाफट काम करता रहता है, शर्त यह है कि वाटर भी अवेलेबल हो, न्यूट्रिशन भी अवेलेबल हो। तो टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी प्लांट लाइफ को वर्किंग स्टेट में लाने के लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, और टेम्परेचर पर ही डिपेंडेंट था रेनफॉल भी। तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल दो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं जिनके बेसिस पर आप ये तय करते हैं कि किस तरह की पर्टिकुलर वेजिटेशन किस एरिया में होगी। अगर आप ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे हैं, जो अगर आप ग्लोब की बात करें तो ग्लोब में ये 0 डिग्री पे इक्वेटर है, और 0 डिग्री पे इक्वेटर में आपको पता है कि सारा साल भी सन की रेज वर्टिकल इंसिडेंट करती रहती हैं ऑलमोस्ट। इसकी वजह से यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, और उसी हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ से एयर मासेस अपवर्ड मूव करते हैं, असेंड करते हैं, कंडेंसेशन होती है, क्लाउड बनते हैं, रेनफॉल होती है, इसकी वजह से हाई लेवल ह्यूमिडिटी भी रहती है। तो हाई हीट जिसकी वजह से प्लांट बहुत एक्टिव हुआ लेकिन बदले में मिली हाई ह्यूमिडिटी भी, उसकी वजह से वो सारे अपने फंक्शन जो टेम्परेचर ने उसे मजबूर किया था करने के लिए वो कर भी पाया। तो हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी के दौर में हाईली लग्जूरियस ग्रोथ आपको मिलेगी वेजिटेशन की, जो कहाँ पे मिलती है हमें, इक्वेटोरियल रीजन से। और अगर हम इंडिया की बात करें, ऐसा ही माहौल जहाँ पर फॉर्म हो रहा है वो माहौल बन रहा है इंडिया के वेस्टर्न घाट्स, यानी कि ये जो पर्टिकुलर पेनिनसुलर इंडियन रीजन में ये वेस्टर्न घाट्स रेंजेस हैं जिनकी वेस्टर्न स्लोप्स पे साउथ वेस्ट मानसून आकर के इंसिडेंट करते हैं। इस पर्टिकुलर रीजन में लो लैटिट्यूड होने की वजह से सन की रेज भी वर्टिकल फॉल होती रहती है। तो हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट वेस्टर्न घाट्स की वेस्टर्न स्लोप्स के साथ रहता है। फिर इसी तरह से अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, तो ये पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के रीजन में भी हिमालय के माउंटेन का एक बेल्ट है, वहाँ पर भी बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून जाकर के टकराती है, वहाँ पर भी हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप की बात करें, यहाँ पर भी हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट है। इसकी वजह से आपको ग्लोब पे जैसे इक्वेटर पे फॉरेस्ट मिलते हैं, ऐसे फॉरेस्ट भारत में इन पर्टिकुलर एरियाज में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट है, टेम्परेचर भी हाई है, प्रेसिपिटेशन भी हाई है, हाईली लग्जूरियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए, इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिटर्मिनेंट जिसे हम काउंट करते हैं वो है फोटो पीरियड। तो मैं सनलाइट का रिसेप्शन भी इसे कह सकता था, लेकिन अब टेक्निकली वर्ड ऐसा ही यूज हुआ है तो हमें ऐसे ही समझना होगा। फोटो पीरियड, फोटो पीरियड मतलब कि सनलाइट किस एंगल से रिसीव हो रही है, पहला आस्पेक्ट, मतलब इंटेंसिटी ऑफ द सन रेज या इंटेंसिटी ऑफ द सोलर रेडिएशन कितनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, लेंथ ऑफ द डे या लेंथ ऑफ द नाइट कितना है, दिन छोटा है या दिन बड़ा है, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। और जिस पर्टिकुलर स्पॉट पे वो रिसीव हो रही है उसकी खुद की लोकेशन और पोजीशन क्या है, वो सन फेसिंग है या दूसरी साइड की तरफ है, सन अपोजिंग है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर डिसाइड होते हैं, फोटो पीरियड इससे तय होता है। तो फोटो पीरियड क्या है, अगर आप सिंपली हिमालय के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हिमालय इस तरह से अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहा है और सन कहीं यहाँ से उग रहा है, इसकी वजह से हिमालय की साउदर्न स्लोप्स जो हैं, ये साउदर्न रीजन जो हैं, यहाँ पर बड़े पैमाने पर इंसुलेशन रिसीव हो रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहीं पर ये आ जा रहा है कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द मानसून भी जाके हिमालय से टकरा रही है, तो हिमालय की साउदर्न स्लोप्स को इंसुलेशन भी पर्याप्त मिल रहा है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच आके टकराई तो वर्षा भी पर्याप्त मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी आपको अच्छे खासे फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ठीक ये जो नॉर्दर्न स्लोप्स हैं हिमालय की, अर्थ को अगर आप देखें, ग्लोब को, उस पर हिमालय ऐसे खड़ा है, तो हिमालय की जो नॉर्दर्न स्लोप्स हैं ये कहीं ना कहीं रिलेटिवली साउदर्न स्लोप के कंपेरिजन में सनलाइट से डिवाइडेड हैं, इंसुलेशन का एंगल वो नहीं रहता, इसकी वजह से फोटो पीरियड काफ़ी कम है यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर उस लेवल पर वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होती। आपको बैरन माउंटेंस मिलते हैं,
बंजर पहाड़ देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल वेजिटेशन से डिवाइडेड रहेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी। दूसरा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब पर एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि जैसे जैसे इक्वेटर से आप हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाते हैं, सन क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में रहता है मोस्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, इसकी वजह से सन का वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपको पहले ही बताया, अगर इक्वेटर पे है तो ऐसे लाइट फॉल कर रही है, इक्वेटर से ऊपर है तो फैल जा रही है, इसकी वजह से यहाँ तक आते आते लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एरिया ट्रैवर्स करना शुरू कर देगी, अमाउंट वही है एरिया ज़्यादा है तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और एक पर्टिकुलर टाइम तो ऐसा हो जाता है जब सन नॉर्थवर्ड मोशन में रहता है इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, कि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के आर्कटिक सर्कल से लेकर के पोलर रीजन का बीच का एरिया है, इतना एरिया पूरे ग्लोब का, इसको 12-12 घंटे के लिए सनलाइट तो मिल रही है लेकिन सनलाइट इस तरह से फॉल कर रही है कि यहाँ से क्रॉस हो जा रही है, इंसिडेंस नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, इसकी वजह से डे लाइट तो है लेकिन इंटेंसिटी ऑफ द हीट यानी कि हीट नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पर 6 महीने का दिन होने के बावजूद भी टुंड्रा क्लाइमेट होता है, यहाँ पर आपको ट्रीज की ग्रोथ उस लेवल पे नहीं दिखेगी, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह की प्लांट किंगडम्स दिखेंगी जो रॉक्स या फिर बिल्कुल सरफेस के साथ चिपक करके रहे। आई बात समझ में? तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो फोटो पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, फोटो पीरियड पे ये तय करता है कि कितने लंबे समय तक आपको सूर्य की ऊर्जा मिली है, सोलर हीट मिली है, और उससे तय होगा कि आप कितनी तेजी से अपने आप को जिंदा रखने के लिए जितनी भी आपके फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर वो फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए क्या आपको पर्याप्त मटेरियल मिला है। तो वही फोटो पीरियड डेजर्ट रीजन में भी है, लेकिन डेजर्ट रीजन में प्लांट एक्टिवली काम तो कर ले पर वाटर ही अवेलेबल नहीं। उसी लैटिट्यूड पे अगर हम ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स देखें तो फोटो पीरियड तो उतना ही है, और उसकी वजह से प्लांट ने काम भी उतना एक्टिवली किया और वाटर भी मिल गया तो फ्लरिश कर गया। आई बात समझ में? जैसे उसी लैटिट्यूड में पूरे ग्लोब की बात करें तो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन्स में आपको डेजर्ट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न रीजन्स में मानसून है, तो इसकी वजह से वहाँ पे वेजिटेशन है। आई बात समझ में? तो फोटो पीरियड एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तीसरा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है विंड डायरेक्शंस। जब हम विंड डायरेक्शन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर आ जाता है लोकेशन। लोकेशन देखिए, आपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये देखा कि इंडिया को ऑलमोस्ट पूरे इंडिया की बात करें, अगर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स की बात करेंगे तो कहीं पे 2.5 मंथ के लिए और कहीं पे 6 मंथ्स के लिए, बट अगर हम पूरे भारत की बात कर लें तो 4 मंथ्स के लिए आपको मॉनसून रिसीव होता है, मॉनसून की बरसात। और मॉनसून के रिसेप्शन की अगर हम कहानी देखें तो मॉनसून साउथ वेस्ट से आता है, साउथ वेस्ट से। अब ये जो साउथ वेस्ट से मॉनसून आ रहा है, ये साउथ वेस्ट मॉनसून को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, मतलब विंड की डायरेक्शन साउथ वेस्ट है और उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे हैं, वेस्टर्न घाट के पर्वत रस्ते में इस तरह से खड़े हैं, इसकी वजह से हवाएं उनके स्लोप को टकरा करके असेंड करेंगी, कंडेंसेशन फास्ट होगा तो रेनफॉल होगा। तो यहाँ से ये सिद्ध हो जाता है कि बड़े पैमाने पर विंड की क्या डायरेक्शन है और उस डायरेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में सामने बैरियर टोपोग्राफिकल कैसा खड़ा है, इस पर तय होगा कि वहाँ की वेजिटेशन कैसी है। वही अरेबियन सी है, वही वेस्टर्न साइड है इंडिया की, और वही साउथ वेस्टर्न विंड्स हैं, लेकिन अरावली की पोजीशन ऐसे ना हो करके इस तरह से एडजेसेंट है जिसकी वजह से विंड्स उसके साथ लग लग के ऊपर चली जाती हैं। अगर अरावली इस पोजीशन की बजाय साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट ना होकर के ईस्ट टू वेस्ट खड़ा होता तो बड़े पैमाने पर राजस्थान के साउदर्न हाफ में वर्षा होती, लेकिन क्योंकि अरावली एडजेसेंट है और विंड्स अरावली के साथ, अरावली की पोजीशन इस तरह से साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट है और विंड्स अरावली के साथ लग के चली जा रही हैं, इस वजह से वर्षा नहीं हो पा रही है। तो इसी वजह से वहाँ की वेजिटेशन हॉर्नी है, वहाँ की वेजिटेशन बड़े पैमाने पर ज़ेरोफाइटस है, कैक्टस मिलेंगे आपको, बेर मिलेंगे, बबूल मिलेंगे, इस तरह के पेड़ पौधे वहाँ पे जो अभी मैं बताऊँगा वो सब मिलेंगे। रीज़न क्या है? विंड डायरेक्शन एंड लोकेशन। यही एग्जांपल अगर खूबसूरती से समझना है तो पूरा भारत है, साउथ वेस्ट मानसून आ रहे थे, वेस्टर्न घाट्स ने उनको रोका, वर्षा करवा दी, अब जो पहाड़ों को चढ़ के फिर उतरने वाली हवाएं जो हैं वो सूख जाएंगी, इस तरह से फिर वो तमिलनाडु की तरफ बढ़ी तो तमिलनाडु में वर्षा उतनी नहीं कर पाई, लेकिन 6 मंथ्स के लिए जब ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट बह रही हैं
नेक्स्ट सिक्स मंथ के लिए अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगी नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट, उस समय इन्हें बे ऑफ बंगाल से पानी मिल जाएगा और रास्ते में इन्हें मिलेगा तमिलनाडु, और तमिलनाडु का कोस्ट मैंने आपको बताया था बिल्कुल स्ट्रेट होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट करेगा इन विंड्स को, और फिर तमिलनाडु के इस रीजन में वर्षा होती है विंटर सीजन में, अक्टूबर नवंबर से बिगिन हो जाती है और लगभग जनवरी तक चलती रहती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि लोकेशन एंड द विंड डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु। आई बात समझ में? यही इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपके नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में भी काम करता है। अब आप ध्यान से देखिए, ये पर्टिकुलर मेडिटेरेनियन रीजन से जो अभी कल तक पंजाब में वर्षा हो रही थी, अब खुश नसीब है कि आपको प्रिस्टाइन वाटर ऑफ मेडिटेरेनियन मिल रहा था कल तक, मतलब भारत में रहते हुए आपने अटलांटिक ओशन के पानी को चखा और वो पानी आप तक पहुंचाने का काम किया वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ने, और मेडिटेरेनियन वाटर को काफ़ी प्रिस्टाइन मानते हैं यूरोपियंस। तो वहाँ पे साइक्लोन बने और वो साइक्लोन वेस्ट से ईस्ट चल रहे हैं, आ रहे हैं। देखिए उनका लैटिट्यूड कहाँ पे फॉल कर रहा है, कहीं ना कहीं इंडिया के बिल्कुल नॉर्दर्न टिप को छुएगा, तो ये सीधा पास हो सकता था, लेकिन यहाँ पर बहुत ही लॉफ्टी हिमालय माउंटेंस इनके रास्ते में आ जाते हैं और इन्हें इस तरह से अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं कि इन्हें साउथवर्ड डिफ्लेक्ट करते हैं, और उन्हीं बैरियर्स की वजह से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अपने एक्चुअल लैटिट्यूडनल जोन्स को छोड़ करके राजस्थान तक चली जाती हैं और फिर गंगा के मैदानों में यूपी बिहार अरुणाचल प्रदेश तक, सिर्फ और सिर्फ हिमालय है इसलिए ये वहाँ तक वर्षा कर रही हैं, वरना ये ना करती, वरना तो ये मेडिटेरेनियन सी से निकलती और ये इस तरह सीधी चाइना होकर चली जाती। तो कुल मिलाकर के हिमालय इस विंड डायरेक्शन के रास्ते में आ रहा है, इन साइक्लोन्स को पकड़ करके अपने अंदर ले करके जो रास्ते में वेट एरियाज आ रहे हैं वहाँ से मॉइस्चर गेन करा करके फिर भारत के नॉर्दर्न एरिया में वर्षा हो रही है, और कल तक आपने ये रेन देखी थी। इंडिया में जबकि विंटर सीजन चल रहा है कोई कंडीशन बनती ही नहीं रेनफॉल बनने की, फ्रंटल साइक्लोन्स हैं जो बने हैं मेडिटेरेनियन रीजन में और आप तक लेके आने का काम इन्हें किया है अपर एयर में चल रही वेस्टर्ली विंड्स ने, जो इन्हें वहाँ से पकड़ करके आप तक ले आई और पूरे भारत के नॉर्दर्न एरिया में वर्षा हो रही है। ओके, सो विंड डायरेक्शन एंड द लोकेशन ऑफ द टोपोग्राफिकल बैरियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। तो आप देख लीजिए, चाहे आपने फोटो पीरियड पढ़ा चाहे आपने विंड डायरेक्शन पढ़ा, दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है टोपोग्राफिकल बैरियर्स ने। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ वेजिटेशन का, वो है टोपोग्राफिकल बैरियर। अब तो समझाने की जरूरत नहीं ना इसे, ये टोपोग्राफिकल बैरियर ही है ना मेरे बच्चों, जिसकी वजह से ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है मानसून की यहाँ से ऊपर चढ़ती है और मेघालय के रीजन में फनल शेप माउंटेन होने की वैली होने की वजह से मेघालय में गैरो खासी जयंती की जो खासी की पहाड़ियाँ हैं उसमें सबसे ज़्यादा वर्षा करके भारत में मौसम राम को 1221 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली मिल रही है, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। चिरापूंजी सेकेंड लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ द रेनफॉल, तो कुल अमाउंट ऑफ द रेनफॉल, तो कुल मिलाकर के ये भी टोपोग्राफिकल बैरियर ही था जिसकी वजह से हुआ विंड डायरेक्शन एंड टोपोग्राफिकल बैरियर। यही टोपोग्राफिकल बैरियर एंड विंड डायरेक्शन है कि साउथ वेस्ट मानसून ऐसे आए, बे ऑफ बंगाल बनी, वो तमिलनाडु में रेनफॉल नहीं करा पा रहे क्योंकि उनके एडजेसेंट फ्लो कर रहे हैं, जैसे अरेबियन सी ब्रांच अरावली के एडजेसेंट फ्लो करती है ऐसे बे ऑफ बंगाल ब्रांच तमिलनाडु के एडजेसेंट फ्लो करती है, तो टकरा नहीं रही है जिसकी वजह से वर्षा भी नहीं कर रही है। तो विंड डायरेक्शन एंड लोकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। ओके, क्लियर हुआ? अगला कंसेप्ट है देख लेते हैं सॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल। सॉइल कैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है चलिए समझिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, अगर आप डेजर्ट रीजन में जाती हैं हर कवर तो वहाँ पर आपको सैंडी सॉइल मिलेगी, और सैंडी सॉइल का नेचर ये है कि उसमें मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी रहती नहीं है। दूसरा आस्पेक्ट, सैंडी सॉइल काफ़ी शैलो सॉइल मानी जाती है। तो होता क्या है यहाँ पर कि जैसे ही दिन के समय सन राइज होगा, क्योंकि मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी है ही नहीं उसकी, तो वाटर की एक मॉडरेट करने की जो कैपेसिटी रहती है टेंडेंसी वो इसमें अवेलेबल ही नहीं है। ऑल रॉक ही रॉक, सब क्या है रॉक। तो लैंड की या रॉक की खासियत क्या रहती है, इमीडिएटली हॉट होता है और इमीडिएटली कूल हो जाता है। और दूसरा, सैंड का एक अपना नेचर रहता है, इसका अल्बिडो भी बहुत रहता है, वो कंसेप्ट हम कभी फिजिकल ज्योग्राफी में कराएंगे। अभी बस समझिए कि जब सुबह दिन सन की रेस पड़ती हैं तो ये बहुत तीव्र गति से गर्म हो जाता है बहुत फास्ट, और शाम के समय में बहुत ठंडा भी हो जाता है। तो
ये जो इसकी मॉइस्चर ना रिटेन करने की टेंडेंसी है, इसकी वजह से यहाँ उन ट्रीज और प्लांट्स की जड़ें बहुत डीप चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें मॉइस्चर कहीं लो प्रोफाइल में जाके मिलता है, लोअर हॉरिजॉन्स में जाकर के उन्हें पानी मिल जाता है। तो आप देखिए कैसे पौधे की नेचर ही बदल गई। वो सरफेस के बाहर उतना एक्सपेंसिव नहीं नज़र आ रहा, लेकिन सरफेस के अंदर वो बहुत फैला हुआ होगा, ये सॉइल की वजह से। इसके बिल्कुल उल्टा अगर हम इक्वेटोरियल रीजन की बात करें, तो इक्वेटोरियल रीजन में या इंडिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट की बात करें, वेस्टर्न घाट या नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पर बड़े पैमाने पर वर्षा होती रहती है, और वर्षा होने की वजह से सरफेस पे जितने भी मिनरल्स हैं जिनमें डिजॉल्व होने की कैपेबिलिटी है, वो उस पानी के साथ डिजॉल्व होकर के जो सॉइल की अपर लेयर है उसकी बजाय सॉइल की इनर लेयर में चले जाएंगे। इसे लीचिंग का प्रोसेस कहा जाता है, और इसे डीसिलिकाइजेशन भी कहते हैं। जितना भी सिलिका लेवल कंटेंट है, जो मेन एक इस तरह का मेन मिनरल है सिलिका, जो किसी भी सॉइल में अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स किसी भी प्लांट को अवेल कराने का काम करता है, सिलिका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारा बह करके चला जाता है और सरफेस पे रह जाता है, जैसे आयरन और अदर मटेरियल जो डिजॉल्व होने वाले नहीं हैं। इसकी वजह से इन सॉइल्स को हम लेटराइट सॉइल कहते हैं, या इन्हें हम लेटरो सॉइल्स भी कहते हैं। तो इन लेटराइटिक सॉइल्स की अगर हम बात करें, तो सॉइल शैलो है, क्योंकि अपर लेयर ऑफ द सॉइल एक तो इरोड ही हो गई, दूसरा उसके मिनरल्स उसकी डीप प्रोफाइल में चले गए। तो इन शैलो, ये जो शैलो सॉइल्स हैं, इन शैलो सॉइल्स में टेम्परेचर एंड रेनफॉल तो बहुत हाई है, तो ट्री अपनी हाइट भी गेन करेगा। तो इतने बड़े ट्री को इस शैलो सॉइल में खड़ा करने के लिए क्या होगा कि जो ट्री है उसको बड़े पैमाने पर बटरेसिंग करनी पड़ेगी। तो जो उसका ट्रंक रहेगा उसको सपोर्ट करने के लिए वो बहुत सारे प्रॉप्स यूज़ करेगा, मतलब अपने सराउंडिंग में बहुत सारी जड़ें खड़ी कर देगा, जिसे हम बटरेस्ड ट्रीज कहते हैं। फिर उनके दम पे वो खड़ा रहेगा बड़े लेवल पर, क्यों? उसे ग्रेविटी मैनेज करनी है। ट्री की हाइट 60 मीटर है, 60 मीटर हाइट का एक ट्री जो इतनी शैलो सॉइल में खड़ा है, वो खड़ा ही नहीं रह सकता अगर उसे अगल बगल दो डंडों का सहारा ना मिले। तो ये मैं ट्री हूँ, ये मेरी बटरेस्ड रूट्स है। तो बटरेस्ड ट्रंक्स मिलते हैं आपको शैलो सॉइल रीजन में, हाई रेनफॉल एरिया जहाँ पर होता है, वरना ट्री की 60 मीटर मल्टीप्लाई फुट में कर लेनी, 60 मीटर का पेड़ जो है उसकी ग्रेविटी मैनेज नहीं होगी, वो गिर जाएगा, लेकिन ये पेड़ नहीं गिरते। दूसरा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, डीप चले गए हैं मिनरल्स, उन मिनरल्स को अचीव करने के लिए रूट्स भी डीप चली जाएंगी, तो डीप चली जाती हैं रूट्स। देखिए सॉइल के नेचर ने कितने बड़े लेवल पर वेजिटेशन की टाइप को ही चेंज कर दिया, बटरेसिंग ट्री बना दिए, है ना। इसका बिल्कुल उल्टा माउंटेन स्लोप्स पे, जहाँ पर आपने बड़े लेवल पर चील के पेड़ और उससे भी थोड़ा ऊपर कॉनीफेरस ट्रीज की खासियत देखिए, 30 से 50 मीटर हाइट होती है। आप पहाड़ों पे जाइए, बस पे इतनी मीटर हाइट, लेकिन फिर भी कोई बटरेसिंग नहीं है, और स्टेम सिंगल ही जा रहा है, नॉन ब्रांची, ऊपर जाकर के ही ब्रांचेस दिखेंगी, वो भी नीचे को झूल रही है। उसका भी कारण है सारा, अभी जब मैं अडेप्टेशन ऑफ द ट्रीज पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि वो ऐसी क्यों रहती है, ऐसे झूलते हुए रहते हैं सारे ट्रीज, क्यों? बर्फ पड़े और निकल जाए, वरना ब्रांचेस टूट जाए, तो ये अडेप्टेशन होता है। तो ये ट्री को बटरेसिंग की नीड नहीं, ये भी 30-50 मीटर हाइट है, क्यों? माउंटेनियस रीजन में सॉइल्स जो हैं ये काफ़ी डीप रहती हैं, इनकी डीप सॉइल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से जो ट्रीज हैं वो अपनी मेन रूट के दम पर ही खड़े रह सकते हैं, क्योंकि इनकी पकड़ बड़ी डीप होती है। इसलिए कहते हैं कि पहाड़ी इलाके पे पेड़ ना काटें, वरना सॉइल इरोजन बहुत बम्पर हो जाएगा, और पहाड़ों पे ही पेड़ कटते हैं सबसे ज़्यादा, तो सॉइल इरोजन बहुत फास्ट होता है, इसलिए रिवर्स में सिल्ट इतना बढ़ जाता है। एक तो ये फैक्टर था इनका, और दूसरा फैक्टर ये अपनी ग्रेविटी मैनेज करना जन्म से ही सीख के आते हैं, और इसकी वजह से ऑलवेज इनके बेस ब्रॉड रहेंगे, इनके टॉप कॉनिकल होते चले जाएंगे, तो ये नीचे से ब्रॉड होते हैं, ऊपर जाते जाते कॉनिकल हो जाते हैं, तो ग्रेविटी मेंटेन ही रहती है। प्रॉब्लम तो उस ट्री को आती है जो नीचे से पतला है, ऊपर जाके कैनोपी बना रहा है, उसको ग्रेविटी का इशू आएगा, लेकिन जो नीचे से ही ब्रॉड है ऊपर जाते जाते कॉनिकल है, क्यों? इन्हें पता है कि हम पहाड़ की स्लोप पे हैं, अगर हमने ऊपर कैनोपी बना दी और नीचे एकदम खाली खाली तो झूल के गिर जाएंगे। तो नीचे पहले ब्रॉड करो, खुद को बैलेंस कर लो, और फिर हिम्मत है तो ऊपर की तरफ बढ़ो, तो कोई नहीं गिरता। आपको लगेगा हम बस से गुजरे हैं, ट्री एकदम ऐसे ही लगा होता है, आपको लगेगा कभी भी गिरा नहीं, वो अपनी औकात जानता है, उसने जड़ें उतनी गहरी भेजी हुई हैं और उसने अपनी ग्रेविटी को मेंटेन किया है। जब तक आप परेशान ना करो उसे, काटो ना, वो नहीं गिरने वाला। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो सॉइल यहाँ पे देखिए कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर गई। फिर
जितने भी हमारी कंट्री या वर्ल्ड लेवल पर ट्रॉपिकल रीजन्स में रिवर डेल्टास, रिवर एस्टुरीज या कोई भी ऐसी क्रीक्स जिनमें टाइड का इम्पैक्ट रहता है, मतलब 6 से 7 घंटे के लिए उन्हें जब हाई टाइड्स आई तो सेलाइन वाटर मिल गया, समुद्र का पानी, और फिर जब अगले 6-7 घंटे के लिए लो टाइड का दौर है तब उन्हें रिवर का फ्रेश वाटर मिल गया, मतलब एक फेज फ्रेश वाटर, एक फेज सलाइन वाटर। ऐसे में जो रिवर के द्वारा मर्ड एंड सिल्ट वहाँ लेकर के जाया जा रहा है वो वहाँ पे सेटल किया गया है, क्यों? किसी भी ट्री को एग्जिस्ट करने के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए, और न्यूट्रिशन है जो रिवर्स लेकर के जा रही है। तो बच्चों एक बात हमेशा समझना, जो बीचेस रहते हैं ना, बीच की सैंड फॉर्मेशन वेव्स ने की है, जो वहाँ पर रॉक्स थी वेव्स आके उनसे टकरा रही थी, उनको उन्होंने तोड़ तोड़ करके बीच बना दिया है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन हो ना हो ये गारंटी नहीं। लेकिन जो रिवर एस्टुरी या रिवर डेल्टा रीजन है वहाँ पे पहाड़ों से बहकर आ रही नदी ने अपने साथ एनर्मस सॉल्ट मिनरल्स कई कॉन्टेंट लेकर के आई है, और वो जब मड और सिल्ट वहाँ पे इकट्ठा होगा उसमें मिनरल्स होंगे, तो प्लांट की सर्वाइवल के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। तो यहाँ पर जो प्लांट्स रहते हैं वो अपने आप में बहुत यूनिक रहते हैं। होता क्या है, अगर मैं गंगा के रीजन की बात करूं तो ये गंगा को मान लीजिए, ये गंगा है और यहाँ पर वाटर का लेवल है, तो ये क्या है, हाई टाइड, और जब लो टाइड आती है तो यहाँ आती है, तो ये लो टाइड, ये हाई टाइड, जब समुद्र का पानी चढ़ेगा यहाँ तक आता है, जब नीचे मैक्सिमम नीचे तो यहाँ तक, मतलब ये रीजन क्या है, टाइडल रीजन, ये टाइडल एरिया है ना। तो अब होता क्या है, ये लो टाइड एरिया की अगर हम बात करें तो इस लो टाइड एरिया में प्लांट ने अपनी रूट्स बना रखी है और इसके ऊपर ये प्लांट का स्टेम जा रहा है, ट्रंक जा रहा है, ठीक है, रूट्स बना ली बड़े अच्छे से। अब जब हाई टाइड एरिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे सैंड सिल्ट क्ले बहुत बड़े पैमाने पर जमा है, लेकिन जब लो टाइड होता है बड़े पैमाने पर, जो लो टाइड का वाटर वापस जा रहा है, ये जितने भी ट्री के ये रूट्स का गैप एरिया है जो, इसके बीच से सारी सैंड मर्ड क्ले को ले जाती है और ये रीजन खाली हो जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे आसाम में स्टिल्ट हाउसेस बनाए होते हैं ना, पिलर खड़े करके बाढ़ से बचने के लिए, ऐसे स्टिल्ट ट्रीज हैं ये। तो इनको पता है कि हम टाइडल एरिया में हैं, जब हाई टाइड आएंगी उस दौरान तो ठीक है सैंड मर्ड क्ले है, जब लो टाइड का दौर होगा वो सारा खींच के ले जाएंगी, तो मेन ट्रंक को सपोर्ट करने के लिए जमीन में धसे हुई स्टिल्ट नजर आ जाएंगे, स्टिल्ट। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट में स्टिल्टिंग बहुत स्ट्रांग होती है, स्टिल्ट, ये यूपीएससी कोर क्वेश्चन था बेटा, याद रखना। और नेचर क्या हुए यहाँ पे, सॉइल का टेंडेंसी, एक्यूमुलेशन ऑफ द सॉइल, टाइडल इम्पैक्ट, इस वजह से भी वेजिटेशन का टाइप बदल गया। तो सॉइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, गंगा के मैदान की हाईली एलुवियल सॉइल है, वेजिटेशन कोई करेगा ही नहीं वहाँ पे, एग्रीकल्चर करेगा, है कि नहीं? तो आप देख सकते हैं दुनिया के जितने भी प्लेन एरियाज हैं, क्यों आज वहाँ जंगल नहीं है, सिर्फ फार्मिंग है, क्योंकि वो फर्टाइल है। लेकिन जो फॉरेस्ट एरिया हैं, आप गलती कर जाएंगे कि इतने पेड़ उग रहे हैं तो एग्रीकल्चर क्यों नहीं हो सकता, वो फॉरेस्ट सॉइल है। कई तरह की सॉइल्स मिलती हैं फॉरेस्ट रीजन में, जैसे चेर्नोजम मिलती है, बहुत सी सॉइल बहुत एसिडिक होती हैं, कुछ बड़ी बेसिक होती हैं, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर उस लेवल पर नहीं हो सकता, क्योंकि एग्रीकल्चर करने के लिए एक पीएच लेवल चाहिए आपको जो मॉडरेट होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो फर्टाइल सॉइल है वहाँ पर एग्रीकल्चर हो जाएगा तो फॉरेस्ट नहीं दिखेगा। इस वजह से सॉइल की टाइप, सॉइल की नेचर, सॉइल का टेक्सचर ये डिसाइड करता है कि वहाँ का वेजिटेशन, वहाँ का फॉरेस्ट कैसा होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी, टोपोग्राफिकल बैरियर हमने देखे, लोकेशन हमने देखी, विंड डायरेक्शन हमने देखी, फोटो पीरियड को हमने ऑब्जर्व किया, क्लाइमेटिक फैक्टर को हमने, टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन को इम्पैक्ट किया, हमने सॉइल को ऑब्जर्व किया। ये कुछ मोटे मोटे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन की वेजिटेशन को। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ कंसेप्ट सीखने का प्रयास करते हैं। कंसेप्ट क्या है, देखिए जब हमने फैक्टर स्टडी कर लिए तो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है लक्षण। लक्षण कैसे रहते हैं, किसी भी वेजिटेशन के, किसी पर्टिकुलर एरिया की वेजिटेशन को आप आइडेंटिफाई करते हो। आपके सामने मैंने 3 बच्चे खड़े कर दिए, एक नॉटी शरारती, एक सिंसेयर और एक बहुत ही पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट सा। आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो उनके लक्षण देख के, है तो तीनों ही प्लांट
है तो तीनों ही फॉरेस्ट, लेकिन आपने आइडेंटिफिकेशन कैसी की, लक्षण शरारती की उछल कदमी नजर आ जाएगी, कहोगे बड़ा शरारती जंगल है। जो इंटेलिजेंट है उसकी हरकतें दिखनी शुरू हो जाएंगी, वो कहेगा अंकल ये ग्लोब पड़ा है आपके पीछे, और अच्छा ये कंट्रीज हैं, पता लग गया बहुत बड़ा कुएं है। और जो बिल्कुल सिंसेयर है वो पानी भी मांग रहा होगा, पानी दे दो, है ना, 25 पैसे का पानी। तो कुल मिला करके आप सामने वाले के लक्षण देख करके यह तय करते हैं कि वो कौन सा जंगल या कौन सी जाति प्रजाति के पेड़ हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज। हर किसी की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब आप सबकी भी कुछ प्रॉपर्टी है ना, कि उसकी मुझे ये प्रॉपर्टीज नहीं अच्छी लगती, उसके मुझे वो प्रॉपर्टीज अच्छी नहीं लगती, तो प्रॉपर्टीज डिस्कस करना बहुत करें फिर प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज एक बार डिस्कस हो गई तो फिर आपको प्रॉपर्टी लेने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि फिर आप IAS बनी जाएंगी और फिर आपको पता ही क्या करोगे।